अगर बाहर कहीं से कोई लोग आ रहे हैं तो दे कैन सी, बट आज जब मैं विजिट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आपको मेरी ये लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। आज छुट्टी थी तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना ले। बेसिकली अभी दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो रही है तो सोचा आज बच्चों के लिए ब्लॉग बनाएंगे। मैं अभी फिलहाल हूँ थाने में और स्टे इन थाने। थाने में हम लोग चलने वाले हैं रेप्लिका ऑफ थाने देखने। बेसिकली दिस इज़ एन पार्क जहाँ पे रेप्लिका ऑफ थाने मतलब मिनी थाने जैसा स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, तो बाकी बातें वहाँ चल के करते हैं। पहुँच चुके हैं हम लोग। आज पता नहीं क्लाइमेट को क्या हो गया है, आपको मेरी शक्ल दिख रही है या नहीं, बट इट्स स्टिल 6 o'clock एंड अंधेरा दिखो, वो बारिश ना आए। फिलहाल आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ व्हीकल मत लाना क्योंकि यहाँ पे रोड का काम चालू है, तो शायद आपको पार्किंग में दिक्कत हो सकती है। एनीवेज देयर इज़ अ फ्री पार्किंग। नाउ हम पहुँच चुके हैं, बेसिकली ये गोडबंदर रोड पे है और पाटलीपाड़ा अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, थाने उतर रहे हो तो वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी, बट आई वुड सजेस्ट कि ऑटो से ना आए क्योंकि 80-90 रुपीज़ ऑटो चार्जेस है। I would suggest sweet painting wall made. About Thane. मैं आपको इस पार्क के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ये पार्क जो थाने में फेमस लैंडमार्क्स हैं जैसे कि तलाव पाली, सेंट्रल जेल, गडकरी रंगनाथ में, ये सब का जो फेमस लैंडमार्क है उसका मिनी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाया हुआ है इस पार्क में। सो दिस इज द फर्स्ट लैंडमार्क विच आई एम गोइंग टू शो यू। थाने का बहुत फेमस तलाव पाली। ये है थाने का गडकरी रंगनाथ और थिएटर जिसे कहा जाता है, यहाँ पे काफ़ी नाटक या मूवी थिएटर जो बोले जाते हैं वैसे है। बच्चों के खेलने के लिए आई लव दिस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। यहाँ पे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर भी है। आप थाने स्टेशन जब वेस्ट में आओगे तो आपको ऐसी सेम बाबा साहेब की प्रतिमा आपको दिखेगी वहाँ पे थाने स्टेशन के बाहर एग्जैक्टली बाहर। द बिगेस्ट लोकेशन जिसमें हमें किसी को जाने में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो दिस इज सेंट्रल जेल, जो थाने में सेंट्रल जेल है।
गाइस आई एम विजिटिंग दिस प्लेस फॉर सेकेंड और थर्ड टाइम. जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब आई वॉज हैप्पी टू सी दैट देर इज़ अ रेप्लिका ऑफ थाने मेड, जो अगर बाहर कहीं से कोई लोग आ रहे हैं तो दे कैन सी. बट आज जब मैं विजिट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दुख हो रहा है, क्योंकि व्हेन आई विजिटेड दिस प्लेस इट वॉज नीट क्लीन. बट आज जब मैं देख रहा हूँ तो यार यहाँ पे मेंटेनेंस का थोड़ा इश्यू है, बिकॉज ये प्लेस तो बना ही बहुत प्यारी है बट यहाँ पे मेंटेनेंस का आई डोंट थिंक सो. आई शो यू, ये देखिए मेंटेनेंस शुड बी इज नेसेसरी है. कोई नहीं, बट आई एम श्योर कि जो हमारे यहाँ के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हैं विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस. बाकी प्लेस बहुत प्यारी है, इट इज़ वर्थ विजिटिंग. और मैं इस प्लेस के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. देर इज़ नो एंट्री फीस फॉर कमिंग टू दिस पार्क. यहाँ पे नीचे पार्किंग पेस फ्री है, बट जैसे मैंने अभी आपको बताया रोड का काम चालू है तो जिसकी वजह से पार्किंग में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, बट इट्स मैनेजेबल. सेकेंडली आप दिस इज़ यू नो इन द मिड ऑफ द गोडबंदर रोड. अगर आप बस वगैरह से आ रहे हो तो आप तीनातना का या कोपरी चले जाएंगे थाने ईस्ट में, तो वहाँ से प्राइवेट बसेस भी चलती है जो आपको यू नो 20-30 रुपीज़ में यहाँ पे लेके आएगी. ऑटो भी डायरेक्ट आएगी थाने स्टेशन से, बट आई वुड रिकमेंड दैट येस इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली टेक इट. बट अगर थाने स्टेशन से आप ऑटो से आ रहे हो तो कम से कम 80-90 मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है. सेकेंडली एक बार आके ज़रूर विजिट कीजिए प्लेस को, बिकॉज यू विल गेट टू नो अबाउट दिस प्लेस मोर. एंड आई वुड रिकमेंड यू टू ब्रिंग योर किड्स टुगेदर, बिकॉज दिस इज यू नो चाइल्ड लविंग प्लेस एंड यू डेफिनेटली वॉन्ट आर किड्स टू नो अबाउट दिस. अगर आप में से कोई ये प्लेस पे विजिट कर चुका हो तो डेफिनेटली अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें. एंड एक और क्वेश्चन मुझे आपसे करना था. मुझे दो तीन लोगों से सजेशन आया था कि आई शुड चेंज माई चैनल्स नेम, बिकॉज काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि दे आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज इन सर्चिंग माई चैनल ऑन यूट्यूब. अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, जैसे नेम सजेशन, कोई यूनिक नेम सजेशन हो मेरे चैनल के लिए, तो आई वुड लव यू टू कमेंट बिलो. एंड प्लीज़ डू हेल्प मी टू चेंज टू फाइंड अ गुड नेम. विद दिस एंड एंडिंग माई व्लॉग हियर, सी यू सून नेक्स्ट टाइम. टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग, क्योंकि आपका प्यार ज़रूरी है यार. बाय बाय.